I will explain uh, today the heating effect of current. Firstly, I'll speak in Hindi, and uh, then in second part, I'll repeat the same uh, my video, the same expression in English. So, first of all, I'm going to switch on uh, the Hindi language. Okay. देखो इसमें हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है ये हमें समझना है तो मैंने एक सर्किट लिया है सर्किट में ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ना ये वाला यहां से लेके यहां तक ये यह क्या है ये एक रजिस्टर है है ना जो रजिस्टर क्या होता है जो रजिस्ट करते है करंट को जो करंट के लिए मुश्किल पैदा करता है जो करंट को रोकता है है ना उसको कहते हैं रजिस्टेंस और रजिस्टेंस को आपको पता है ऐसे बनाते हैं है ना ऐसे क्यों बनाते हैं कि देखो करंट को कितनी मुश्किल हो रही है पहले पहाड़ पे चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा तो ये सिंबॉलिक होता है कि इसका रजिस्टेंस का मतलब इतना आसान नहीं है ना यहां से लेके यहां तक जाना तो कैसा रास्ता है उसका जाने का तो ये सिंबोलाइज करता है कि इसको रेजिस्टेंस को तो ये रेजिस्टेंस है, है ना ये लाल जो रेड कलर से दिखाया हुआ फिर क्या है कि एक सेल लिया मैंने सेल में ये वाला तो आपको पता ही है ये पॉजिटिव एंड होता है सेल का और ये क्या होता है नेगेटिव एंड तो नेगेटिव एंड से ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और कंडक्टर में होते हुए फिर बाहर आ जाएंगे एक बात ध्यान रखना है जितने इलेक्ट्रॉन यहां एंटर होंगे ना उतने इलेक्ट्रॉन यहां से लीव होंगे ये कभी नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अंदर चले जाएं और बाहर यहां से कम आए नो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर होगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे चलना शुरू करेंगे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चलना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो हम उसे क्या कहते हैं करंट तो करंट बनेगा करंट को किससे पढ़ेंगे एमवीटर से तो मैंने एमवीटर के साथ एक पंखा लगा दिया है क्योंकि यदि आपको आपका ध्यान नहीं है ना एमवीटर पे तो पंखे की रफ्तार देख लेना पंखा तेज चल रहा है मतलब करंट ज्यादा है पंखा थोड़ा चल रहा है तो मतलब करंट कम है और जब ये करंट चलेगा ना इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेंगे तो ये कंडक्टर या रजिस्टर है ना ये क्या हो जाएगा इस गर्म हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो गर्मी को हम नापते हैं उसको भी मैयर करते हैं फिर मैं गर्मी को मैयर करने के लिए ये देखो एक मैंने ऐसा बनाया ये इस तरफ कोल्ड है इस तरफ हॉट है तो ये थर्मामीटर में बताएगा कि इसका टेम्परेचर को क्या होना है जब करंट इसमें चलेगा मैं दो तीन पार्ट्स लूंगा पहले करंट थोड़ा रखूंगा करंट थोड़ा करंट को थोड़ा कैसे करेंगे वोल्टेज को थोड़ी करके वोल्टेज स्मॉल है करंट स्मॉल होगा तो हम देखेंगे कि कंडक्टर हीट हुआ कि नहीं वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे फिर करंट देखेंगे फिर वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे फिर करंट देखेंगे और देखेंगे इसका इसको क्या हो रहा है जैसे जैसे ये हीटिंग होती जाएगी ये वाला जो एरो है ये इस तरफ मूव करता जाएगा फिर आप सोचोगे कि ये हीटिंग होती क्यों है देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल है इस तरफ क्या है नेगेटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव क्या होता है लो पोटेंशियल पॉजिटिव क्या होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है फोर्स करता है कि चलो ठीक है तो जब वो धक्का मारता है उसको फोर्स करता है चलो तो वो चलते हैं पर तो रास्ते में क्या आ जाते हैं ये जो बड़ा सा दिखाया हुआ है ना बड़ा वाला सर्कल बड़े वाली गेंद दिखाई है है ना बड़ा सफेद दिखाई है ये क्या आइंस हैं जो कंडक्टर जिसका बना हुआ है यहाँ कितने आइंस दिखाए एक दो तीन चार पांच छ एक्चुअली तो कितने सारे होंगे मिलियन बिलियन ट्रोलियंस गिनती नहीं होती उनकी तो ये ये एटम्स हैं या आय हैं मतलब ये वो आइन्स हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ने डोनेट कर दिए हैं कंडक्टर को जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स ने डोनेट कर दिया तो खुद पॉजिटिव आइन बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिया है ना कंडक्टर को तो खुद क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव आइन्स हैं फिर आप सोचोगे कि आइन्स है तो क्या हुआ देखो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से उसको निकलना होता है तो आइंस क्या है पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसके पास से गुजरता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन ही होती आप कहोगे होती है फिर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वहां रुकी क्यों नहीं जाता पॉजिटिव आइन के पास क्योंकि अट्रैक्शन है ठीक है रुक सकता था पर यहां देखो ये ये पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत हाई है ये पॉजिटिव पोटेंशियल खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कह रहा है रुकना नहीं है यहां पे आगे चलो पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है थोड़ी बहुत उसकी अट्रैक्शन होती है ना पॉजिटिव आयन के साथ जो अट्रैक्शन होती है तो थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है ट्रैप होने को कहते हैं हम कुलिजन ठीक है तो ये जितनी तेज दौड़ के आया था ना जब उसने पॉजिटिव आयन देखा तो एकदम उसको ना रुकना पड़ा तो एकदम जब रुकता है तो अपनी कैनेटिक एनर्जी जो उसमें एनर्जी भरी होती है वो सारी की सारी लूज हो जाती है क्योंकि वो थोड़ा रुक गया तो वो जो एनर्जी लूज होगी ना उससे ये कंडक्टर हीट होता है अब इलेक्ट्रॉन फिर दौड़ेगा फिर ये पॉजिटिव आयन आ जाएगा फिर एकदम दौड़ता दौड़ता इसके पास आके रुकेगा उसकी जो कैनेटिक एनर्जी उसने गेन कर रखी है वो फिर लूज हो जाएगी लूज होगी तो वो हीट बनेगी ऐसा है हिट बनने का कारण अब एक बार यह भी ध्यान रखना ये जो पॉजिटिव आयंस है ना ये रुके हुए नहीं है ये हिलते रहते हैं अपनी जगह पे अब जब हिलते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को तो निकलना और मुश्किल हो जाता है फिर क्योंकि एक चीज हिल रही है तो इलेक्ट्रॉन वहां से और हिल, हिल भी जो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से कैसे निकलेगा तो जितना ये ज्यादा हिलेगा ना इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा मुश्किल आएगी उसको उसमें उसके पास में से ओके निकलना तो इसका मतलब कि रजिस्टेंस जो है आर, इस पे डिपेंड करता है कि ये आइंस कितना हिल रहा है फिर आप कहोगे इसका हिलना किस पे डिपेंड करता है इसका हिलना भैया डिपेंड करता है टेम्परेचर पे फिर आप कहोगे कि, कि आ, जैसे कैनेटिक एनर्जी उसने लूज की ये गर्म हो गया गर्म होने से ये और हिलेगा फिर तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका हाँ बिल्कुल इसका रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा हीटिंग भी हो रही है इसका रजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है ठीक है देखो हम वैसे फार्मूला लगा देते हैं आ, हीटिंग का क्या होता है आई स्केर आर टी पर यदि मैं एक क्वेश्चन कहूँ आपको और अपने टीचर से पूछिएगा जरूर क्योंकि ये हीटिंग का फार्मूला आई स्केर आर टी अब जो हीट है वो तो आर को चेंज कर देती है फिर ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं फिर आ, आर कौन सा लगाओगे जब वोट जब करंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो थोड़ा सा करंट थोड़ा था तब तो आर की वैल्यू कम थी पर जब आपने थोड़े टाइम के बाद आफ्टर पंद्रह मिनट आधे घंटे के बाद ये तो गर्म हो जाएगा उससे आर चेंज हो जाएगा फिर हीटिंग का क्या वही फॉर्मूला लगेगा सारे टाइम के लिए ये क्वेश्चन है मतलब 20 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए आपने यहां आधा घंटा टाइम पुट कर दिया आधे घंटे में तो आर की वैल्यू बदल रही है तो फिर हीटिंग का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे तो ये आपने टीचर से पूछ के मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में मैं वेट करूंगा ठीक है अब मैं ना इसकी एनिमेशन दिखा रहा हूं एनिमेशन क्या मैं ये वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊंगा करंट इंक्रीज होगा आपको ये ध्यान रखना है एक तो इधर देखना क्या होएगा इसका दूसरा ना दूसरा ये देखो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगा और ये देखना कि आयंस ये वाले आयंस कैसे हिलेंगे अपनी जगह पे और फिर इस कंडक्टर की हीटिंग कैसे होगी ये इस तरफ कैसे जाएगा आएरू? ये तीन जगह आपको ध्यान रखना है इस इस वोल्टेज का इंक्रीज होना करंट का इंक्रीज होना आयंस का हिलना और इसका इस तरफ मूव करना देखिए अब ये देखो अब थोड़ा हिल रहे हैं क्योंकि वोल्टेज कितनी है पॉइंट फोर एट पक्का थोड़ा सा हिल रहा है तो थोड़ा सा करंट है एमीटर में हमें इतना ध्यान हमें नहीं अमयर हो रहा करंट क्योंकि बहुत थोड़ा करंट है वो देखो कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं बैटरी के एक एंड से और, और कोलिजन करते, करते हैं कोलिजन क्या होती है कि आयन पॉजिटिव है उसके पास थोड़ा सा रुकते हैं ये नहीं उसको सच्ची मुच्ची धक्का मार देते हैं धक्का नहीं मार सकते वो उनका पॉजिटिव पोटेंशियल के पास में आके रुकना वही कुलिजन होगा तो ये आ, आ, थोड़ा पक्का चल रहा है क्योंकि करंट बहुत थोड़ा कम है है ना तो कितना बढ़िया लग रहा है आयंस कितने सिर्फ इसमें छः आयने दिखाया है एक्चुअली कितने होते है? हैं कॉपर में पता है कितने आयन होते हैं या कॉपर के अटोमिक नंबर क्या है ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन टू एट एट इन वन तो वन इलेक्ट्रॉन कॉपर आइटम लूज कर देता है और खुद कॉपर कॉपर आयन बन जाता है कॉपर आयन बन के जो इलेक्ट्रॉन उसके पास से निकलते हैं उनको अट्रैक्ट करता है तो उससे उसका रजिस्टेंस होता है।, है ना तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बैटरी के एक एंड से उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो अब मैं क्या करूंगा अब मैंने ना थोड़ी थोड़ी वोल्टेज को इंक्रीज करना है अभी वोल्टेज कितनी है पॉइंट फोर एट अब देखो ये कितनी तो वोल्टेज इंक्रीज हो गई है पॉइंट फोर के बाद फोर पॉइंट जीरो एट वोल्ट अब एमीटर पे भी देखो और हिट हो गया ग्यारह वोल्ट पे एकदम हीटिंग और आइंस देखो कितनी ज्यादा हिल रहे हैं वो कितना आइंस हिल रहे हैं देखो इलेवन पॉइंट फाइव टू पे और कुलिसन बढ़ गई है और हीटिंग हो गई है और नीचे देखो एरो हॉट की तरफ जा रहा है Eleven point five two P. So if we have a look here, we've got a circuit, and so we can see that I've got a battery and I've got electrons moving from the negative terminal of the battery through a resistor here, and then they come through the other side and come to the positive terminal of the battery. So on the left hand side here I've got a little Essentially, it's an ammeter. It's something that's measuring the amount of charge going past that point per second, so the number of coulombs per second. Note, in real life, ammeters don't look like fans. And here we are showing you a basic model of the resistor. We can see that it's made up of lots of these green atoms. So these atoms would contain a positively charged nucleus surrounded by some core electrons, and the remaining electrons are free to move through material, so they're shown here in blue. Here, only six green atoms are shown for simplicity, but in reality, the resistor would be made up of billions of billions of atoms. Note, it doesn't actually have to be a resistor, it could be any conducting material. So, as the electrons move through the conductor, there's a chance that they'll collide with one of these atoms. And when they do, it's going to use up some of their potential energy in the collision, and so the solid will start to heat up, and that will mean the atoms start to move faster. So let's see what happens when I turn up the voltage. So there we go, now I've increased my batteries. So if I was to turn it up the voltage even more we can now see the materials getting very hot the atoms are moving around extremely fast so they're colliding with all the electrons left right and centre so the resistance of the material is now very high so the idea is that as the temperature of a conductor increases its resistance is going to increase as well because the atoms are vibrating around more and more likely to collide with the electrons